हेलो, हैव ए नाइस डे प्यारे विद्यार्थियों, परम मित्रों, सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। एफिनिटीज ऑफ प्रोटोकॉर्डेट की श्रृंखला में हेमिकॉर्डेटा की, यूरोकॉर्डेटा की, सेफलोकॉर्डेटा की वीडियो नंबर 1 में इंटररिलेशनशिप पढ़ ली। वीडियो 52 में हेमिकॉर्डेटा की एफिनिटीज पढ़ ली, इंटररिलेशनशिप विद अदर ड्यूटरोस्टॉम्स फाइला के साथ में अपन ने सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज 52 नंबर वीडियो यानी 52 नंबर वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज रिलेशनशिप ऑफ यूरोकॉर्डेटा विद अदर ड्यूटरोस्टॉम फाइला और रिलेशनशिप ऑफ सेफलोकॉर्डेटा विद अदर ड्यूटरोस्टॉम फाइला पढ़ने जा रहे हैं। रिलेशनशिप ऑफ यूरोकॉर्डेटा विद अदर ड्यूटरोस्टॉम फाइला में दो के साथ में समझाता ये या सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटी प्रकट करता है, कॉर्डेट के साथ में या कॉर्डेट्स के साथ में और हेमिकॉर्डेट्स के साथ में, जबकि सेफलोकॉर्डेट्स, एनिलिड्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स तीनों के साथ में एफिनिटीज प्रकट करता है। सिमिलरिटीज विद कॉर्डेट, रिलेशनशिप ऑफ यूरोकॉर्डेट विद अदर ड्यूटरोस्टॉम फाइला में पहला ले रहे हैं सिमिलरिटीज विद कॉर्डेट्स। इनमें जो बिंदु आ रहे हैं उनको देखिए। पहला, मेनिकल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन द ब्रैंकियल सैक इन बोथ यूरोकॉर्डेट एंड कॉर्डेट, या फेरिंग्स का बड़ा भाग जो होता है सिलोम में उसको अपन ब्रेंकियल सैक कहते हैं। उनमें गिल छिद्रों की संख्या या स्टिग्मेटा या गिल स्लिट्स की संख्या काफी अधिक या असंख्य होती है। मसल्स ऑफ टेल शो सेगमेंटेशन, दोनों के अंदर टेल में मसल्स के द्वारा खंडीभवन दिखाई देता है। थर्ड, एंडोस्टाइल इज होमोलोगस टू थायरॉइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स। यह पहले भी बता चुका हूं कि हायर कॉर्डेट्स या हायर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर पाए जाने वाली एंडोस्टाइल से थायरॉइड ग्लैंड का निर्माण होता है जो यहां पाई जाती है। नंबर टू, दो पिंड होते हैं इसके, पेरिकार्डियम, न्यूरल ग्लैंड एंड गोनाइड्स ऑफ एसिडियन रिप्रेजेंट द सिलोम एज इन अदर कॉर्डेट्स। पेरिकार्डियम, न्यूरल ग्लैंड और गोनाइड्स एसिडियंस के जो होते हैं वो कॉर्डेट्स की सिलोम की तरह है रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आ रही है एसिडियंस। जब मैं यूरोकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ाने जा रहा था या पढ़ा दिया गया, उस समय यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा के अंदर तीन क्लासेस थी, एसिडेशिया, थेलियेशिया, लार्विशिया। एसिडेशिया में हर्डमानिया या सिस्कट, थेलियेशिया के अंदर डोलियोलम साल्पा, ओइकोप्लूरा एटसेट्रा और ओइकोप्लूरा लार्वेशिया में आ रहा था। लार्वेशिया का उदाहरण ओइकोप्लूरा एंड अपेंडिकुलेरिया बताया था। फिफ्थ पॉइंट, बेरिल नाम के जूलॉजिस्ट ने एसिडियंस, एसिडियंस का मतलब यूरोकॉर्डेटा में पाए जाने वाले एसिडियेशिया या हर्डमानिया में जो हार्ट के चारों तरफ ये एपिकार्डिया पाया जाता है, इनमें कैविटीज पाई जाती हैं विद सिलोमिक कैविटीज ऑफ वर्टिब्रेट्स। बेरिल ने
वर्टिब्रेट में पाए जाने वाले सिलोम की जो केविटीज उपस्थित होती हैं उनकी तुलना एसिडियंस में पाए जाने वाले एपिकार्डिया से की। सिक्स, न्यूरल ग्लैंड ऑफ टूनिकेट्स डेवलप पार्टली फ्रॉम फेरिक्स। न्यूरल ग्लैंड या न्यूरल ऑर्गन कॉम्प्लेक्स जिसको अपन कहते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है एसिडियंस में, ये आंशिक रूप से फेरिंग से और पार्टली फ्रॉम नर्वस सिस्टम से डेवलप होता है। ऑन अदर हैंड या ऑन दिस ग्राउंड जुलिन ने 1880 में, जुलिन नाम के जूलॉजिस्ट ने 1880 में सजेस्टेड इट्स होमोलॉजी टू इनफंडिबुलम एंड हाइपोफाइशियल सेरेब्री या पिट्यूटरी ऑफ वर्टिब्रेट ब्रेन। 1880 में जुलिन नाम के जूलॉजिस्ट ने न्यूरल ग्लैंड को जो टूनिकेट्स में पाई जाती है या यूरोकॉर्डेटा में पाई जाती है उसकी समझौता किसके साथ की, पीयूष ग्रंथि में पाए जाने वाले इनफंडिबुलम और हाइपोफाइशियल सेरेब्री ऑफ वर्टिब्रेट ब्रेन, क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो ब्रेन के अग्र भाग पे मटर के दाने जैसी होती है। इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड दैट न्यूरल ग्लैंड ऑफ टूनिकेट सीक्रेट ए हॉर्मोन विच स्टिमुलेट द ओविपोजिशन एंड एक्सलरेट्स द रेट ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ये भी रिपोर्ट किया गया, बताया गया कि न्यूरल ग्लैंड जो टूनिकेट में पाई जाती है ये एक हार्मोन स्रवित करती है जो ओविपोजिशन यानी अंडोत्सर्ग और एक्सलरेट द रेट ऑफ मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण की दर को बढ़ाने में सहायता करता है या कायांतरण की दर को बढ़ा देता है। दिस सिमिलर हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ऑफ वर्टिब्रेट्स। इस प्रकार का हार्मोन और निश्चित रूप से थायरोक्सिन हार्मोन ही होगा, सॉरी थायरोक्सिन हार्मोन नहीं, थायरोक्सिन थायरॉइड ग्लैंड से स्रवित होता है, कोई दूसरा हार्मोन है। सिमिलर हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रेट्स की पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा भी हार्मोन स्रवित होता है। तो ये समझाता आई। नेक्स्ट, इन साल्पा एंड सम कंपोजिट एसिडियंस, बाकी के बचे हुए जो एसिडियंस हैं साल्पा डोलिलम साल्पा और पायरोसोमा थेलेशिया में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, इन साल्पा एंड सम कंपोजिट एसिडियंस लेयर ऑफ सेल सराउंडिंग द ओवम फ्यूज विद द वॉल ऑफ एट्रियम टू फॉर्म ए प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर। साल्पा में ओविपेरस नहीं होता, ये विविपेरस होता है। एसिडेशिया में पाए जाने वाला एसिडियन एनिमल है। इसमें क्या कह रहा है कि ओवम के चारों तरफ कोशिकाओं की परतें जो होती हैं वो फ्यूज होकर के और एट्रियम के साथ फ्यूज होकर के प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होती है। दिस इज एनालॉगस टू प्लेसेंटा ऑफ द मैमल्स। ये होमोलॉजी नहीं है, एनालॉगस है। एनालॉगस का मतलब है उत्पत्ति अलग, कार्य एक जैसा। द क्लीवेज एंड गैस्टुलेशन ऑफ एसिडियंस रिजेंबल्स दैट ऑफ कॉर्डेट्स। क्लीवेज यानी वितलन और गेस्टुला भवन एसिडियंस का कॉर्डेट्स से या कॉर्डेट्स में के जंतुओं से मिलता जुलता होता है। द करैक्टरिस्टिक एसिडियन टेडपोल शॉज ए टिपिकल प्लान ऑफ कॉर्डेट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फॉलोइंग फीचर्स। एसिडियन टेडपोल एसिडियन में
एसिडेशिया के अंदर जो हर्डमानिया है उसमें पाए जाने वाले लार्वा का नाम है एसिडियन टेडपोल लार्वा। एसिडेशिया क्लास का ये लार्वा एसिडियन हो गया, टेडपोल से मिलता जुलता है, इसलिए इसको एसिडियन टेडपोल लार्वा कहते हैं। वो एक कोडेट के सम्मान ऑर्गेनाइजेशन वाला लार्वा है। कारण क्या है देखिए आप, इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, कल वाले वीडियो में बताया भी था, नहीं 51 नंबर वीडियो में मैंने बताया था कि इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। लार्वा में एडवांस कॉर्डेट के करेक्टर्स होते हैं, जबकि वयस्क में कॉर्डेट के करेक्टर्स लगभग फेरिंजियल सैक या स्टिग्मेटा को छोड़ करके लुप्त प्राय हो जाते हैं। करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या रहता है, टेल ऑफ एसिडियन टेडपोल लार्वा इज कंपेरेबल टू पोस्टर्नल टेल ऑफ द कॉर्डेट्स। एसिडियन टेडपोल लार्वा में पाए जाने वाली जो टेल होती है वो कॉर्डेट्स में मिलने वाली टेल से मिलती जुलती होती है कि पोस्टर्नल पार्ट ऑफ दी बॉडी इज नॉन एज टेल। इट इज प्रोवाइड विद ए वेल डेवलप्ड कॉडल फिन हैविंग डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन फॉल्ट्स, जिसके पृष्ठ सतह और अदर सतह पे डॉर्सल और वेंट्रल फिन्स उपस्थित होते हैं या फॉल्ट्स वलन उपस्थित होते हैं। दीज फॉल्ट्स आर स्ट्रेटेड, रेखीय होते हैं, रेखित होते हैं। सजेस्टेड द फिन रेज ऑफ फिशेज, यानी मछलियों में पाए जाने वाले कॉडल फिन के अंदर फिन रेज पाई जाती है, वैसे ही ये इनके जो फिन होते हैं वो मिलते जुलते हैं। द मसल बैंड ऑफ द टेल सॉज सेगमेंटेशन, मसल्स बैंड जो होते हैं टेल के अंदर वो खंडी भवन प्रकट करते हैं जो कि कॉर्डेट में पाया जाता है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ द टेल, यानी यूरोकॉर्डेटा के अंदर बताया था कि नोटोकॉर्ड शरीर के पिछले भाग में, पिछले आधे भाग में या कॉडल रीजन तक नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू टिप ऑफ द टेल, दिस इज मेड अप ऑफ लार्ज वैक्यूलेटेड टर्जिड सेल्स, जो कि बड़ी रिक्तिका युक्त वैक्यूलेटेड टर्जिड यानी सॉलिड सेल्स सिमिलर टू नोटोकॉर्डल सेल ऑफ द कॉर्डेट। ये कॉर्डेट में पाए जाने वाली नोटोकॉर्डल सेल्स के साथ समझाता प्रकट करती हैं। द फेरिंग्स ऑफ द लार्वा बियर स्टिग्मेटा दैट इज ट्रू गिल स्लिट्स, एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर पाए जाने वाले गिल स्लिट्स जो होते हैं फेरिंग्स में या ब्रेंकियल सैक में, वो कॉर्डेट में पाए जाने वाले फेरिंग्स के गिल स्लिट्स से बिल्कुल मिलते जुलते रहते हैं, इसीलिए कहा गया है दे आर ट्रू गिल स्लिट्स। नेक्स्ट माई डियर फ्रेंड, द एसिडियन टेडपोल हैज डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड विद डायलेटेड सेंस वेसिकल। एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है और अग्रभाग पे एक फूला हुआ सेंस वेसिकल्स पाया जाता है जिसमें सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी हेड रीजन में। हेड किसको बोलते हैं, एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स इज नॉन एज हेड। शरीर का सबसे अग्र भाग जिसमें संवेदी अंगों का जमाव होता है उस भाग को शीर्ष या हेड कहते हैं। द सेंस वेसिकल इज इक्विवेलेंट टू ब्रेन ऑफ द कॉर्डेट, ये सेंस वेसिकल जो यूरोकॉर्डेटा के लार्वा एसिडियन टेडपोल लार्वा में पाया जाता है वो ब्रेन से मिलता जुलता है। द हार्ट ऑफ द टेडपोल इज सिचुएटेड बिलो द गट, यानी आहार नाल के नीचे बिलो हार्ट की उपस्थिति, सेम पोजीशन हार्ट की उपस्थिति कॉर्डेट्स में होती है जैसे अपने में होती है। दीज कॉर्डेट करेक्टर्स आर आइदर कंप्लीटली लॉस्ट और मॉडिफाइड ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, बट दुर्भाग्य है कि इस लार्वा में पाए जाने वाले कॉर्डेट के करेक्टर्स जो है या तो ये कंप्लीटली लुप्त प्राय हो जाते हैं
या मॉडिफाइड ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। मॉडिफाइड का मतलब यहाँ सभी के सभी विलुप्त नहीं होते, स्टिगमेटा या गिल स्लिट्स या फेरिक्स को छोड़कर के बाकी के लुप्त प्राय हो जाते हैं या वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पड़े रहते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, नर्व गैंग्लियन के रूप में पड़ी रहती है। द रिजल्टेंट एनिमल आफ्टर मेटामॉर्फोसिस डिजेनरेट एंड सिंपल फॉर्म। इसके पश्चात जो वयस्क अवस्था में जो एनिमल बनता है वो डिजेनरेट अप राशित फॉर्म में होता है, सिंपल फॉर्म में होता है, सिंपल फॉर्म का बना हुआ होता है कायांतरण के पश्चात। थस द फॉरगोइंग अकाउंट shows striking embryological changes क्या कह रहा है? Thus the foregoing account shows striking embryological and anatomical similarities between ascidian and chordates and establishes the affinity of ascidian with chordates। यानी इस प्रकार foregoing का मतलब पूर्वगामी, पूर्व में पाए जाने वाले टेडपोल लार्वा के अंदर जो लक्षण थे वो स्ट्राइकिंग यानी विचित्र एम्ब्रियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल दृष्टि से देखा जाए तो सिमिलरिटीज दर्शाता है कॉर्डेट किसके साथ में, एसिडियंस के साथ में या एसिडिएशिया क्लास के साथ में या एसिडिएशिया क्लास में पाए जाने वाले जंतुओं के साथ में या हेडमानिया के साथ में। एस्टैब्लिशेज द एफिनिटी ऑफ एसिडियन विद कॉर्डेट, जो क्या स्थापित करती है, कॉर्डेट के साथ में समझाता प्रकट करती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब यहां कहने का तात्पर्य यह है कि यूरोकॉर्डेटा का कॉर्डेटा के साथ में बहुत ही निकट का संबंध है, बट सेफेलोकॉर्डेट का और ही ज्यादा निकट का संबंध होगा। सिमिलरिटीज विद इकाइनोडर्म्स, गारस्टेंग नाम के जूलॉजिस्ट ने, गारस्टेंग गारस्टेंग ने कोशिश की टू इवॉल्व एसिडियन टेडपोल लार्वा फ्रॉम ऑरिकुलरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में पाए जाने वाले कई लार्वा अवस्थाओं में से एक लार्वा ऑरिकुलरिया लार्वा होता है, उससे कहा कि ये टेडपोल लार्वा, एसिडियन टेडपोल लार्वा जो है इनका ओरिजन हुआ है, उद्भव हुआ है, बट दिस या हिज हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन स्पेक्युलेशंस, यानी ये मात्र एक उनका चिंतन था, कल्पना थी, हैंस नॉट एक्सेप्टेबल। अतः यह इस कारण से इस ये स्वीकार करने योग्य नहीं है, गारस्टेंग की थ्योरी। नेक्स्ट रिलेशनशिप ऑफ सेफेलोकॉर्डेटा विद अदर ड्यूटेरोस्टोम फाइला। यूरोकॉर्डेटा की पूरी हो चुकी है, अब सेफेलोकॉर्डेटा की अदर ड्यूटेरोस्टोम फाइला के साथ में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पढ़ने जा रहे हैं, और दोनों को मिलाकर के या तो इंटर रिलेशनशिप बोलेंगे या एफिनिटीज बोलेंगे, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर मेंशन किया हुआ है इंटर रिलेशनशिप, तो इंटर रिलेशनशिप ही नाम देंगे। सिमिलरिटी विद कॉर्डेट, द सिमिलरिटीज बिटवीन सेफेलोकॉर्डेट एंड क्रेनिएट्स यानी हायर कॉर्डेट्स आर एज फॉलोज। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, दिस इज डिफरेंशिएटेड टू ब्रेन विद सेरिब्रल वेसिकल एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या कह रहा है? इन दोनों के अंदर
डॉर्सल टुबुलर नर्व कॉर्ड पाई जाती है जो किस में विभेदित हो जाती है, ब्रेन में, ब्रेन किसके साथ, सेरेब्रल वेसाइकल के साथ में और स्पाइनल कॉर्ड में। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, दोनों में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन फेरिंजियल वाल, दोनों की फेरिंजियल वाल के अंदर, ग्रसनीय भित्ति के अंदर गिल छिद्र पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ पोस्टर्नल टेल, पोस्टर्नल टेल भी सेफलोकॉर्डेटा और कॉर्डेट दोनों में पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ मिडगट डाइवर्टिकुलम विच कैन बी कंपेयर्ड विद द लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी सेफलोकॉर्डेटा के अंदर मिडगट डाइवर्टिकुलम नाम की एक संरचना पाई जाती है एलिमेंट्री कैनाल में, जिसको अपन अन्य वर्टिब्रेट्स के अंदर लिवर के साथ में समझाता प्रकट करते हैं या कंपेयर करते हैं। द मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज रिवील्ड बाई मसल्स एंड नेफ्रिडिया एंड गॉनेट्स, शरीर में खंडी भवन पाया जाता है। शरीर में क्या पाया जाता है? खंडी भवन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सम खंडी भवन पाया जाता है जो क्या प्रकट करता है, मसल्स, नेफ्रिडिया और गॉनेट्स दोहराए हुए अंगों के रूप में पाए जाते हैं प्रत्येक सेगमेंट के अंदर। द अबोव करेक्टर्स शोज या शो दैट द सेफलोकॉर्डेट पजेजेज मैन करेक्टर्स ऑफ द कॉर्डेट्स बट दे डिफर फ्रॉम क्रेनियट्स ड्यू टू, यानी कॉर्डेट से तो मिलते जुलते हैं। द अबोव करेक्टर्स शो द सेफलोकॉर्डेट पजेज मैन करेक्टर ऑफ द कॉर्डेट, कॉर्डेट के तो इस लक्षण पाए जाते हैं बट दे डिफर फ्रॉम क्रेनियट्स, क्रेनियट से ये क्यों नहीं मिलते? ड्यू टू सिंप्लिसिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्रेनियट्स हायर कॉर्डेट्स होते हैं कि ये उनके साथ में इतना घनिष्ठ संबंध क्यों नहीं है कि शरीर का शारीरिक संगठन जो है वो सिंपल है, सिंप्लिसिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विच शोज दैट दीज आर प्रिमिटिव देन क्रेनियट्स। क्रेनियट्स की तुलना में ये प्रिमिटिव या सिंपल या आद्य होते हैं। थस दीज आर प्रिमिटिव एंड जनरलाइज कॉर्डेट्स, इसलिए ये प्रिमिटिव और सामान्य कॉर्डेट हैं, स्पेशलाइज्ड कॉर्डेट नहीं है। जनरलाइज्ड का मतलब है सामान्य, इसका अपोजिट होगा स्पेशलाइज्ड। ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड में स्पेशलाइज्ड का मैंने पूरा डिटेल से आपको विस्तृत रूप से 50 नंबर वीडियो में बताया था। द फर्स्ट वर्टिब्रेट रिजेंबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, एनिक्टोजॉन विदाउट हेड एंड वर्टिब्रल कॉलम। जो फर्स्ट वर्टिब्रेट प्रकट हुआ था वो था एनिक्टोजॉन विदाउट हेड एंड वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर न सिर था न वर्टिब्रल कॉलम था, रिपोर्टेड फ्रॉम सिलूरियन पीरियड। पेलियोजोइक एरा के अंदर 6 पीरियड थे, पहला कैम्ब्रियन, दूसरा ऑर्डोविशियन, तीसरा सिलूरियन, तो सिलूरियन पीरियड की बात आ रहा है, चौथा डेवोनियन और पांचवा था कार्बोनिफेरस और लास्ट का छठा पीरियड था परमियन। तो सिलूरियन पीरियड के अंदर ये वर्टिब्रेट जो एनिक्टोजॉन नाम का जो फर्स्ट वर्टिब्रेट एनिमल जो था ये प्रकट हुआ था सिलूरियन पीरियड में, कितने करोड़ों वर्ष पहले की बात है। दिस एनिमल में बी कंपेयर्ड विद द एम्फियोक्सस, जिसको एम्फियोक्सस के साथ में अपन कंपेयर कर सकते हैं, क्यों? एम्फियोक्सस आल्सो लैक्स हेड एंड वर्टिब्रल कॉलम, एम्फियोक्सस में भी हेड और वर्टिब्रल कॉलम का नितांत रूप से अभाव होता है। एम्फियोक्सस आल्सो रिजेमल्स मैनी फिश लाइक क्रिएचर्स रिपोर्टेड फ्रॉम सिलूरियन पीरियड। एम्फियोक्सस के अंदर भी फिश के लाइक, फिश लाइक
सॉरी, एम्फियोक्सस जो है ये फिश लाइक क्रिएचर या प्रणियों से मिलते जुलते हैं जो कि सिलूरियन पीरियड से चलते आ रहे हैं। इट इज पॉसिबल दैट मॉडर्न फिशेज माइट हैव इवॉल्व फ्रॉम सिलूरियन फिशेज। इसका मतलब यहाँ कहना आपको या बताना आपको उचित ही होगा कि वर्तमान में पाए जाने वाली दोनों प्रकार की उपास्थिल और अस्थिल कॉन्डक्टीज एंड बोनीफिशेज यानी ऑस्टक्टीज बोन्स, ये फिशेज जो होती हैं इनका ओरिजन किस में है, सिलूरियन पीरियड में पाए जाने वाली मछलियों से हुआ है। थस एम्फियोक्सस या सेफलोकॉर्डेट माइट हैव बीन वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ हेल्प वर्टिब्रेट्स। यहाँ ये भी कहना उचित ही होगा यद्यपि हालांकि कि एम्फियोक्सस हायर वर्टिब्रेट्स का एंसेस्टर पक्का निश्चित रूप से माना जा सकता है या रहा है। नेक्स्ट, सिमिलरिटीज विथ एनिलिड्स, प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड नेफ्रिडिया इन सेफलोकॉर्डेटा। फॉर एग्जाम्पल एम्फियोक्सस सॉज देयर क्लॉज एफिनिटी विथ एनिलिड्स। एनिलिड्स के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, नेफ्रिडिया भी पाया जाता है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में समझौता प्रकट कर रहे हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन नेफ्रिडिया सेफलोकॉर्डेट के एम्फियोक्सस में और एनिलिड्स के समस्त जंतुओं में। लास्ट, सिमिलरिटीज विथ इकाइनोड्रम्स। ए सिमेट्री ऑफ लार्वल एंड एडल्ट एम्फियोक्सस रिजेंबल्स दैट ऑफ इकाइनोड्रम्स। एम्फियोक्सस में पाए जाने वाले जो लार्वल और एडल्ट के अंदर जो ए सिमेट्री पाई जाती है यानी सममिति नहीं पाई जाती वो इकाइनोड्रम से मिलती जुलती है। इकाइनोड्रम्स के अंदर पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है, कईयों में एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। बट यहाँ सबसे मुख्य प्रॉब्लम क्या आई कि ये दोनों नॉन कॉर्डेट हैं, कौन कौन से, एनिलिड्स और इकाइनोड्रम्स, और इन दोनों के अंदर कॉर्डेट के लक्षण विद्यमान नहीं हैं, ये डिसिमिलरिटी में काउंट होंगे। बट द नॉन कॉर्डेट एफिनिटीज विद एनिलिड्स एंड इकाइनोड्रम्स डू नॉट स्टैंड गुड, यानी ये अच्छी स्थिति में नहीं खड़े हैं बिकॉज ऑफ थ्री वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्डेट करेक्टरिस्टिक फीचर्स। वो कौन कौन से आपको ध्यान है? डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, फेरिंजियल पेरड फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट। बट बोथ ऑफ द नॉन कॉर्डेट means annelids and echinoderms, these characteristic features are entirely absent, जो कि इन सेफलोकॉर्डेट में पाए जाते हैं। इसका मतलब इसके साथ में इतनी निकटता का संबंध सेफलोकॉर्डेट का नहीं है। किसके साथ में? annelids और echinoderms के साथ में। similarities होते हुए भी कॉर्डेट के लक्षण विद्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ आपको बताना उचित होगा कि ये कॉर्डेट के लक्षण न होने के कारण में इनके साथ में घनिष्ठता का संबंध नहीं रखते हैं। सेफलोकॉर्डेट तो मात्र कॉर्डेट के साथ में ही या हायर कॉर्डेट्स के साथ में या क्रेनिएट्स के साथ में ही अपनी समझौता प्रकट करते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स एक्रेनिएट्स होते हैं, लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, क्रेनिएट्स ट्रू कॉर्डेट होते हैं, हायर कॉर्डेट होते हैं या यू कॉर्डेट होते हैं एटसेट्रा। अब तीन वीडियोज में मैंने आपको पहले वाले 51 नंबर वीडियो के अंदर मैंने एफिनिटीज या इंटर रिलेशनशिप बताई थी प्रोटोकॉर्डेट्स की, हेमिकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के पारस्परिक संबंध और असंबंध यानी सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। सेकंड वीडियो में मैंने हेमिकॉर्डेटा की अदर ड्यूटरोस्ट्रॉम फाइला के साथ में सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बताई। आज 53 नंबर वीडियो में, तीसरे वीडियो के अंदर ये इंटर रिलेशनशिप
संपन्न होने जा रहा है, पूर्ण होने जा रहा है या हो चुका है, इसमें मैंने आपको सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज विद देयर ड्यूटेरोस्टोम फाइला, ड्यूटेरोस्टोम फाइला के साथ में सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज का जिक्र किया है, आपको समझाने का प्रयास किया है। शायद आप तीनों वीडियोज को ध्यान मगन होकर के सुनोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और साथ में प्रेरणादायी COVID-19 की मरीजों की संख्या से ग्रसित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना हमारे से हो सके आप तक पहुंचाने का YouTube चैनल के माध्यम से प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। सो मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।